उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें मलिन का पुरवा होते हुए उनका ये काफिला निकलेगा और जिसके बाद भूमेव गेस्ट हाउस भी पहुंचेंगी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। और साथ ही आपको बता दें कि गेस्ट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, उनसे मिलने के लिए आज रायबरेली में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहुंची हैं। उनका ये काफिला, कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सोनिया गांधी का स्वागत किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपको बता दें कि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और आज इसी के द्वारे पर निकली हैं सोनिया गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिराज अहमद हमारे संवाददाता लखनऊ रायबरेली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिराज, रायबरेली का दौरा है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का, एक और देखा जाए तो रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी सीटों की बात की जाए तो उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा है। किस तरह से इस दौरान हार पर समीक्षा की जा रही है जाएगी? जी नीतू जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है यहाँ पर सोनिया गांधी का ये जीत के बाद ये पहला दौरा है जिन जहाँ पर उनके साथ में सोनिया गांधी जी के साथ में प्रियंका गांधी भी आई हुई हैं और यहाँ पर जो है भूएमओ गेस्ट हाउस में वो मुलाकात कर रही हैं। पूर्वांचल के 40 जिले के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, एक साथ वो हार पर चर्चा भी करती हुई देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि हार पर क्या कर रहा है कि यूपी में एक सीट पर कांग्रेस गई है, वहीं पर अभी 10 मिनट पहले सावित्री बाई फुले जो बहराइच से सांसद है वो भी यहाँ पर आ चुकी है और उन्होंने मीडिया से कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया है कि किस तरह के लोकसभा में वो 300 के पार जा रहे हैं, जैसे मतलब कई आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं। इसके अलावा सिराज, आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का दौरा है, कितनी देर तक रुकेंगी रायबरेली सोनिया? जी जी, अभी तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं, जो पूर्वांचल के भी लोग आए हुए हैं और रायबरेली के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मीटिंग करेंगी। लगभग अगर देखा जाए कि वो यहाँ किस टाइम तक रुकेंगी तो अभी तो यही उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि उन्हें यहाँ 7 से 8 बज जाए। जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है और कुछ जिनके पास पास है वही लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगभग शाम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रायबरेली पहुंचे हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इस दौरान कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, मलिन का पुरवा होते हुए उनका ये काफिला निकल रहा है, आप देख सकते हैं रायबरेली की सड़क पर, जिसके बाद भूमेव गेस्ट हाउस पहुंचेंगी सोनिया गांधी।